रेनी सीजन है, कल फ्रेंड्स मिले थे, वीकेंड है, प्लान हो गया, चले अभी घूमने के लिए। बंदर भाई ने कल नया जैकेट लिया सेम टू सेम, इसीलिए बोला पहले राइड कर दी है, इसीलिए अभी प्लान हो गया, कल ही जैकेट ले लिया। आज उद्घाटन विद द रेनी सीजन, सो इट्स नॉट रेनी। मैं बोला रेनी सीजन है और धूप आ गई। तो अभी जस्ट रुके थे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जो डेस्टिनेशन है 20-25 किलोमीटर्स हो जाएगा जल्दी से। तो जैसे जैसे मैप लेके आ रहा था हम लोग आ गए, लेकिन हम लोग आ गए एक ऐसी जगह पे जहाँ से वाटरफॉल कहाँ पे है ये पता ही नहीं है, क्योंकि एक दत्त मंदिर है यहाँ पे हम लोग आ गए। अभी यहाँ से वाटरफॉल जाने के लिए शायद से ये वाला रास्ता है, क्योंकि हमारे साथ भी कुछ लोग थे बाइक्स पे ही, वो लोग भी आए थे, वो लोग गए इस रास्ते से, शायद यहाँ पे रास्ता होगा, वाटरफॉल होगा। वाटरफॉल अभी मेरे सामने ही है, और वहाँ से बस एक 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो हम लोग अभी ऑलमोस्ट पहुँच गए वाटरफॉल से, 10 मिनट। जब दो ब्लॉगर्स एक साथ होते ऐसा होता है। थोड़ा सा है। ओए ओए ओए, भुट्टा भी मिलता है यहाँ पे। बापरे, बहुत स्लिपरी है रे ये, और अभी पूरे शूज भी गीले हैं, इसीलिए यहाँ पे पानी का फोर्स कम ज़्यादा होते रहता है, और हवा बहुत है यहाँ पे, पूरे हम लोग हिल रहे थे। तो अभी हम लोग बबीता ढाबा में लंच करने के लिए रुके हुए थे। अभी यहाँ से पुणे है अराउंड 40 किलोमीटर्स, 40-45, ज़्यादा भी दूर नहीं है। अभी यहाँ से मंदिर लेगा लेफ्ट और जाएगा खेरगांव, और यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा 20-30 किलोमीटर्स, मुझे आगे जाना है। तो चलो मिलते हैं, सैमसम जैकेट वैसे ही किसी राइड में, छोटी सी राइड करते हैं, मॉनसून में और एक करते, बारिश बारिश के वक्त करते हैं।
आज बारिश ही नहीं आई, ज़्यादा बारिश नहीं हुआ आज, वाटरफॉल में ज़्यादा भीग गया। चलो फिर अभी वीडियो पे यही पे एंड कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और सेम जैकेट तो उसके भी चैनल पे जाके देख लीजिए, मंदार दातार। चलो बाय बाय।